Brought to you by Techno Camon 30 series. बिहार में कल सातवें और आखिरी चरण का चुनाव होना है, लेकिन सातवें चरण के चुनाव में सबकी निगाहें टिकी है तो एक सीट पर, और वो सीट है काराकाट। काराकाट सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने एंट्री ली। इसके बाद से ही काराकाट काफी हॉट सीट बन गई। काराकाट में अपना दम दिखाने और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चिराग पासवान जैसे बड़े बड़े स्टार प्रचारक काराकाट की धरती पर पहुंचे, जिन्होंने पवन सिंह को हराने के लिए और एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए खूब दम लगाया। इसी बीच पवन सिंह ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार पवन सिंह के समर्थन में उतर गए। खेसारी लाल यादव से लेकर के भोजपुरी के तमाम दिग्गज स्टार काराकाट में पवन सिंह के लिए चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अब जब कल काराकाट में आखिरकार चुनाव होना है तो इसी बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट को करते हुए पवन सिंह ने चुनाव के पहले लोगों से बड़ा वादा किया, साथ ही एक भावुक अपील भी की है, जिससे उन्होंने जनता से इस अपील के जरिए समर्थन मांगा है। ये पोस्ट पवन सिंह का है, जहां वो अपील लिखते हुए लिखते हैं कि काराकाट लोकसभा परिवार के मेरे सभी परिवारजनों को मेरा नमस्कार। लोकसभा चुनाव में प्रचार, जनसंपर्क सभाओं और एवं भ्रमण के दौरान आप सभी मतदाताओं दौरान आप सभी माताओं, बहनों, युवाओं का स्नेह और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैंने मेरे परिवार जनों ने, सगे संबंधियों ने, भोजपुरी कलाकार साथियों एवं अन्य लोगों ने, मैं हूं पवन का प्रतिनिधित्व करते हुए काराकाट के सभी गाँव, प्रत्येक छोटी से छोटी गली, हर घर में जाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अगर किसी कारणवश मैं आपसे नहीं मिल पाया तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका बेटा पवन अपने इस काराकाट लोकसभा परिवार के सभी परिवार जनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि काराकाट लोकसभा को विकसित, समृद्ध एवं सशक्त बनाने के लिए 1 जून को ईवीएम मशीन में 12 नंबर पर कैंची के सामने वाला बटन दबाकर अपने मत का प्रयोग करें। आपका एक वोट काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को विकसित, समृद्ध एवं सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो वचन मैंने वचन पत्र के माध्यम से आपको दिए हैं वो जरूर पूरे होंगे। काराकाट को अपने परिवार के रूप में सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का सदैव संकल्पित रहूंगा। आपका पवन। इस पोस्ट के शेयर करने के बाद अब देखना होगा कि चुनाव के पहले पवन सिंह, जिनके लिए काराकाट में लोगों का महाजुटान हुआ, देखना होगा कि ये महाजुटान वोटों में तब्दील हो पाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।